फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज थोड़ा व्लॉग हमने लेट स्टार्ट करा है। इट्स अराउंड 12 o'clock। या सो एक्चुअली आई जस्ट सॉ कि मम्मा दुष्टा और पापा फ्रूट्स लेने गए थे, बिकॉज वीकली एक बार ही लेने जाना ही पड़ता है। और उस टाइम पे मैं नहीं थी वहां पे, क्योंकि मैं अपनी यूरोप क्लास गई हुई थी मॉर्निंग में, बिकॉज 10th में तक जो बेल्ट एग्जाम्स ब्लैक बेल्ट के देने वाले हैं ना, उनके लिए कैंप चल रहा है। तो सर ने मुझे भी बुलाया है वहां पे मॉर्निंग में। सैटरडे संडे को होता है वो, लास्ट डे सैटरडे, इसीलिए। और आप कितने बजे आए? 7 o'clock जाके, 8 o'clock जाके, 8 o'clock जाके, 11 3 hours। यार इट वाज सो हेक्टिक, सुपर टायर्ड। और अभी हम दोनों नहा भी लिए। क्या पहना आपने? अच्छा। मैंने आज लाइक्रा लेगिंग्स पहनी है और यहाँ भी बड़ा टॉप। और आपने क्या पहना है? ब्लैक टी शर्ट एंड रेड शॉर्ट्स, क्यूटी। अभी 12 o'clock हो रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़े से फ्रूट्स खा लेते हैं। ओके ऋषा, फ्रूट फिनिश करो। तो यहाँ पे देखो इतने सारे फ्रूट्स आए हैं। सो ये देखो इतने सारे यहाँ पे फ्रूट्स है ना, और बाकी सारी वेजिटेबल्स किचन में रखी हुई है, वो भी इतनी सारी है। सो जो पीछे वाले फ्रूट्स है ना, ये सब तो मम्मा पापा लाए थे, और हमने थोड़े अमेजोन से भी ऑर्डर करे थे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वो भी आ गए हैं। सो वन ऑफ देम इज मैंगोज एंड फेवरेट। और ये रही सारी अमेजोन की वेजिटेबल्स। तो फर्स्ट ये अभी अभी आई है, शाम में मैच करती जाती हूँ और तो किचन में रख के आती जा। और मैडम का फाइनली फिनिश हो गया है फ्रूट सैलेड। और ये सारी जितनी भी ये है ना, इनकी टेप्स इस मैडम ने सारी अपने पूरे हैंड्स पे लगा ली है, जोकर आंटी। ऋषभ फर्स्ट फ्रेश पोटैटो, आई थिंक सो ये है ना, नहीं तो बीटरूट। मैं टमाटो ले ली थी। पोटैटो आई थिंक अंदर जा चुके हैं। अच्छा ओके, तो एक बार चेक कर क्या अंदर फ्रेश ऐश का, ये भी ले जाओ, चेक भी करके आ जाओ। अरे सोचो कि ये ऐश गार्ड क्या है। सो ऐश गार्ड इज व्हाट, जिसका हम मॉर्निंग में जूस आजकल पीने लग गए हैं इंस्टेड ऑफ मिल्क। इट इज आई थिंक कच्चा पेठा या सीताफल, जो भी बोलते हैं, दैट इज कच्चा। अच्छा ओके, और इसका टेस्ट भी लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक टेस्टलेस, थोड़ा थोड़ा कड़वा सा भी होता है, घिया की तरह टेस्ट है। सो अभी मैं अपना इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क कर रही हूँ। जैसे अभी समर वेकेशन चल रही है, तो मुझे थोड़ा हॉलीडे होमवर्क मिला है, और मैं जितना पहले हो सकता है ना उतना कंप्लीट कर रही हूँ, ताकि एकदम एंड तक पेंडिंग ना रहे अगर हम कहीं वेकेशन पे जाने लग गए सपोज, इसीलिए। सो अभी मुझे अपनी वोकैबुलरी इंग्लिश के बुक में ये चैप्टर है, इसका नाम है द कोकोनट इन म्यांमार। मैं आपको चैप्टर दिखाती हूँ, दिस हाउ द कोकोनट केम टू म्यांमार, और ये मेरी बुक है। सो इसमें से मुझे डिफरेंट डिफरेंट पैसेजेस है, वो अलग अलग पैसेजेस खुद से सिलेक्ट करके अपने वोकैबुलरी बुक में लिखने हैं, और वो मुझे पेंसिल से लिखने हैं। वैसे तो मैं पेन से लिखती हूँ फिफ्थ में, बट हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए पेंसिल से लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव टू कॉपी द पैसेजेस फ्रॉम द बुक इन द नोटबुक। हाँ ओके, सो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बेसिकली। या बेसिकली ओके, तो मैम ने बोला है पेंसिल से लिखने को। हाँ वोकैबुलरी बुक में ओनली पेंसिल। ऋषभ क्या कर रहे हो? मैं राइटिंग का पेज कर रही हूँ। हाँ सो ऋषभ अपनी अभी राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही है, और अभी हिंदी कर रही है ना? हाँ। और इसके बाद क्या करेगी? देखो ये मेरी हिंदी की बुक है और ये मेरी इंग्लिश की।
उसके बाद मैं इंग्लिश का करूंगी। वेरी गुड। आप एवरी डे हर रोज एक पेज करते हो? आज लंच में बन रहे हैं छोले और भटूरे। यमी यमी। हॉलीडेज है इसलिए हमने मम्मा को बोला था कि मम्मा छोले भटूरे बना दो, तो मम्मा भी बनाई ही है। दिस इज तार गोला। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा ना वीडियो के, जब दृश्या सब्जी और फ्रूट लेने गई थी मम्मा पापा के साथ, वहाँ पे वो ये ले रहे थे। और इसको आइस गोला भी कहते हैं। तो ये जो ऊपर का वाइट लेयर है इसको पूरा छीलना पड़ता है, बिकॉज ये एकदम कड़वा होता है। एंड देन ये ऐसे एकदम ट्रांसपेरेंट सा निकल जाता है। एंड दिस इज़ रियली यम। इट टेस्ट लाइक जैसे हम कोकोनट का वाटर पीते हैं और उसकी पतली वाली मलाई खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा टेस्ट होता है। सो आफ्टर हैविंग यमी यमी लंच, आई एम आल्सो डूइंग क्विलिंग विद दृश्या, जो कल दृश्या कर रही थी। एग्जैक्टली। और दीदी इज द बॉस। ओह माय गॉड। दृश्या आप इसको देखो, हम इसमें डालते हैं ना, दृश्या को दिखाती है इससे कैसे होता है। दृश्या डाल के दिखा। क्रेम्प हो जाते हैं ये। हाँ पूरा क्रेम्प हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट वी आर मेकिंग, हमारे पास जितने भी स्ट्रिप्स थे फर्स्ट पैक में, हमने वो सारे कलर्स के ऐसे क्रिम्प कर लिए हैं। एंड देन इन सबसे हम इस पे सब एक के बाद ऐसे राउंड राउंड करते जाएंगे। इस पेन विल मेक सच अ मोटा फैट, मतलब फ्लावर होता है ना उसके बीच का सर्कल होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर। उसके बाद हम उससे भी डबल साइज का बनाएंगे, जो उसका अराउंड तो बहुत दिन में बनेगा। बट हाँ ठीक है, बट वी वर मेक इट क्वाइट बिग, बिकॉज आई एम थिंकिंग आई वांट टू कीप इट समवेयर ऑन माय स्टडी टेबल टू डेकोरेट। गाइस सो ऑलमोस्ट 1.5 आवर की मेहनत के बाद आई एंडेड अप मेकिंग एनीथिंग, एंड देन आई कन्वर्टेड थोड़ा शेप में, एंड नाउ सी आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल मोर पंख हियर। कृष्ण जी का मोर पंख बन गया ये तो। आई वाज स्टार्टिंग टू मेक आईज और मैंने उसके हिसाब से सारे कलर्स चूज करे थे, बट बन गया ये मोरपंख। तो ये हम अपने कृष्णा को लगा देंगे। हाँ और मम्मा मुझे दिखाने के लिए अभी ये प्लांट लाई थी, एंड एक्चुअली इट्स नेम इज ब्रोकन हार्ट, बिकॉज देखो इसकी लीव जैसे बीच बीच में से पूरी टूटी हुई होती है। एंड दिस इज नेचुरल, कम्प्लीटली नेचुरल। ये ऐसी ही होती हैं लीव्स, ब्रोकन हार्ट। हाँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लांट। पता नहीं फिर ये बीच में ही कैसे ऐसी लीव आ गई, हमने साथ में लगाया था इसके वाली स्टेम भी। तो आई थिंक प्रव्या ये हमने 2-3 कटिंग्स लगाई थी ना, एक ये कटिंग किसी और लीव की लग गई है, हो सकता ये है। ब्रोकन हार्ट है एंड ये देख यहाँ से एक और आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी एक और आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है। सो लेट्स सी कौन कौन से, ये भी थोड़ा बड़ा हो गया है। कौन सा, ये भी मुझे ब्रोकन हार्ट नहीं लग रहा। देख इसकी लीफ पे, ये भी लीफ प्लेन आ रही है ना, एकदम, क्योंकि ये जो ब्रोकन हार्ट की न्यू लीफ आ रही है उसमें भी होल्स हैं, ऐसे ये होल्स हैं यहाँ पे। हाँ तो ये वाली लीफ कोई और प्लांट की है, हो सकता है, बिकॉज हम इतने सारे प्लांट्स उस टाइम पे रिपोर्ट कर रहे थे ना, कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट लेट देम ग्रो अ बिट, देन वी विल सी। प्रव्या ले रही हूँ, तो अभी हम लोग उठ के आ गए हैं। कहाँ से उठ के? सो के उठ के, और जैसे समझ है ना, तो वी आर मेकिंग बनाना चोको स्मूदी, और हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं डेट्स, बनाना, चोको पाउडर, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। सो वैसे तो दृश्या मैं बता रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, एंड मम्मा इज गोइंग टू टेल अस कि इसके बाद क्या डालना है। और ये रही हमारी मिक्सी जार, और ये रही हमारी दृश्या,
शेफ। ऑनलाइन क्लास सो पूरा सेटअप हो गया है और मैं भी वो अटेंड करके आपको मिलती हूँ। मैं कुर्ता, मेरी कथक क्लास तो फिनिश हो गई है और दूसरे ऑलरेडी पापा के साथ नीचे गार्डन में खेलने चली गई है, तो मैं भी अभी जा रही हूँ अपनी बॉट लेके। हम लोग नीचे से खेल के बॉट लेता है तो फिर हमने खाना खा लिया, फिर दीदी तो बहुत टायर्ड हो गई तो दीदी तो सोने गई। अब आप भी सो जाओ, कल उठना है मॉर्निंग में। दीदी को तो कल फिर से जूडो क्लास जाना है मॉर्निंग में। हाँ। है ना? और आज आपने ये हारमोनियम प्रैक्टिस नहीं किया है, कब करोगे? तो सबको बाय बाय कर दो। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।